अशोक सर, कार्तिकेय 2 यानी कि एक पैन इंडिया फिल्म आ रही है 13 अगस्त 2022 को, और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं निखिल सिद्धार्थ और उनका रोल है कार्तिकेय का, और ये मैथोलॉजिकल है ना, अलग तरह की फिल्म लग रही है। कैसा लग रहा है आपको ट्रेलर अनुपम खेर साहब? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तेलुगु में भी ट्रेलर देखा था, बनाने वाला था, लेकिन कुछ समझ में, मैं बोला कि क्या बनाऊं, चलो हिंदी में आएगा तो ही बना। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये लगा कि इतनी अच्छी अच्छी मूवी बनाते हैं, और ये जो है ये तो देखा जाए तो अपने जो है द्वारिका जो है श्री कृष्ण भगवान का स्थान है उसके ऊपर ये स्टोरी बनाई है। 5000 वर्ष पहले जो है ये घटना का जो है मतलब भविष्यवाणी हुई थी, जो कि इसका जो है मतलब पूरा सभा हो जाएगा, प्रलय आने वाला है, और उसको जो है एक जन को चुना गया है कि वो प्रलय का जो है पूरा जो है मतलब निकाल सकते हैं, कि वो बचा सकते हैं। वो कार्तिकेय साहब है हमारे, कार्तिकेय जो इसमें मेन लीड में है हीरो, उनको जो है मतलब है, जो कि उनको ये है मतलब उनको वरदान रहता है कि जो भी है ये रोकने का काम मतलब है, जो प्रलय आने वाला है उसको ये इनके अंदर शक्ति है, ये रोक सकती है। और आपको विजुअल देखकर कैसा लगा, और एक्शन भी थोड़ा है, वो कैसा लग रहा है अभी तक देखकर, मजा आ रहा है? बात है अच्छा लग रहा है, और दूसरी बात है कि अनुपम खेर सर हैं और भी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, कि ये जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सैटरडे को क्यों रिलीज हो रही है। अच्छा, अगर ये सैटरडे को रिलीज हो रही है 13 तारीख, हाँ हाँ, देखा जाए तो बहुत, ये 13 तारीख को 3 मूवी जो भी है मतलब वो हम लोग बाद में, लेकिन ट्रेलर बहुत जबरदस्त काबिले तारीफ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा हाँ, और ये ट्रेलर मुझे देख के ये लगा कि जितनी भी अगर ये पेन इंडिया सीरीज, देखो आप लोग ने बोल दिया पेन इंडिया, तो पेन इंडिया रिलीज करो जी, मैं यही चाहता हूँ करो, हम देखेंगे। चलेगा ठीक है, रेटिंग क्या होगी आपकी 5 बजे? ट्रेलर बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, इस ट्रेलर को मिलना चाहिए पूरे के पूरे 4 स्टार। और क्या लगता है, ऐसी स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है? कम, बहुत साल के बाद ये देखने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। चलेगा चलेगा, थैंक यू थैंक यू।